तो हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर शो होती है। प्लीज़ टर्न ऑफ द डीबग मोड एंड यूज़ लेटेस्ट एपीके फ्रॉम प्ले स्टोर। इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी सारे एप्लीकेशन में आती है जिन्हें हम जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है एंड अनऑथोराइज रिक्वेस्ट इस तरीके से वहाँ पर एरर आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डीबग मोड को हम यहाँ पर ऑफ करेंगे जिससे कि हमारा एपीके यहाँ पर इजीली वर्क करने लगे। काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, इन्हीं में से यहाँ पर एक एप्लीकेशन होता है जियो पोस्ट लाइट, उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर बंद होते हैं जो रिचार्ज वगैरह करते हैं उनको ये प्रॉब्लम वहाँ पर शो हो रही है। तो आज के इस वीडियो में 100% इसका सॉल्यूशन सीखेंगे कैसे हम यहाँ पर डीबग मोड को ऑफ करके हम उस एप्लीकेशन को ईजिली हम यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग को आपको सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है गाइज। यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन में सिस्टम सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नाम से एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इस तरह की एक सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है, बट अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर शो नहीं हो रही। काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो सिंपली उस सेटिंग को ओपन करने के लिए सिंपली से अपने अबाउट डिवाइस वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वर्जन नाम से, ठीक है, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, ठीक है। इस पर 7 बार आपको सिंपली से टैप कर देना, जैसे आप यहाँ पर टैप कर देते हो 7 बार, ठीक है, इस तरीके से अपने मोबाइल का लॉक यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो सिंपली से यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर ईजिली हमारा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, देख सकते हो। अब गाइज ये डेवलपर ऑप्शन सिंपली आपको वहीं पर मिलेगा सिस्टम सेटिंग वाले में, सिंपली इस पर चले जाना एंड स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नजर आ जाएगा। सिंपली डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, उस सेटिंग को आपको यहाँ पर ऑफ कर देना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यूएसबी डबिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर कोई और सेटिंग भी अगर आपको देखने को मिले वो डीबग मोड वाली, तो उसे आपको यहाँ पर ऑफ कर देना, सॉरी दोस्तों, है ना। इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ कर देना, ठीक है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है जो, इसे भी यहाँ पर आपको ऑफ कर देना, इसके बाद आपको बैक कर लेना, ठीक है। हमारा जियो पोस्ट लाइट फिर से ओपन करता हूँ, यही यहाँ पर आ रहा है अभी, तो सिंपली से मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव से एक बार फिर ओपन करता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पर मैंने ओपन किया और इजीली यहाँ पर हमारा जो जियो पोस्ट लाइट का यहाँ पर ये एपीके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम शो हो रही थी, ये इजीली ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका किसी भी एप्लीकेशन इस तरीके से अनऑथराइज रिक्वेस्ट आ रहा और डीबग मोड ऑन है, तो ईजिली आप वहाँ से ऑफ करके ईजिली उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड